अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पुलिस ने दो बाइक सवार लुटेरों को पकड़ा है। इनमें से एक नाबालिग है। इन्होंने एक दिन पहले कोचिंग से घर लौट रही छात्रा पर झपट्टा मारा और मोबाइल लूट लिया था। घटना थाटीपुर कुम्हारपुरा पर हुई थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाश पुलिस के हाथ नहीं आए। पुलिस ने इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो लुटेरों के फुटेज मिल गए। तभी सूचना मिली कि मुरार इलाके में ऑफिस से घर जा रही युवती से बाइक सवार लुटेरे ने झपटा मारकर मोबाइल लूट लिया। इसके बाद पुलिस ने फुटेज से पहचान कर दोनों लुटेरों को पकड़ा। यह मुरैना के रहने वाले हैं और हजीरा में रहकर यहां वारदात करते हैं। न्यू कॉलोनी घोसीपुरा निवासी 17 वर्षीय नंदनी पाल पुत्री कैलाश पाल छात्रा है और थाटीपुर चौराहे के पास कोचिंग पढ़ने के लिए जाती है। कोचिंग से वह वापस घर जा रही थी और अभी नदी पुल कुम्हारपुरा पहुंची ही थी कि तभी पीछे से बगैर नंबर की बाइक से आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारा और उसके हाथ से मोबाइल झपट ले गए। घटना होने पर पीड़िता ने शोर मचाया, लेकिन इससे पहले ही बदमाश बाइक को गति देकर भाग निकले। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। मुरार थाना क्षेत्र के रामकला नगर निवासी 26 वर्षीय काजल वर्मा पुत्री रमेश वर्मा प्राइवेट जॉब करती हैं। रोजाना की तरह बीते रोज भी वह ड्यूटी करने गई थी और ड्यूटी करने के बाद वापस अपने घर जा रही थी। अभी वह रामकला नगर के करीब पहुंची ही थी कि तभी फल का ठेला देखकर घर कॉल लगाया कि कुछ लाना तो नहीं है। इसी बीच पीछे से आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारा और मोबाइल झपट ले गए। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। एक के बाद एक दो वारदात हुई तो पुलिस ने दोनों घटना स्थल पर छानबीन की तो एक स्पॉट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में बाइक सवार बदमाश दिखे। यहां उनकी बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैमरे में कैच हुआ था। इसके बाद आईपीएस ऋषिकेश मीणा को लुटेरों को पकड़ने का टास्क सौंपा तो सीएसपी ने एक टीम बनाई और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। टीम ने सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर दो लुटेरों को पकड़ा है। पकड़े गए लुटेरे नाबालिग बताए गए हैं और मुरैना के रहने वाले हैं। पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ के बाद दो दिन में हुई चार लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें से दो थाटीपुर, एक मुरार और एक हजीरा की वारदात शामिल है। अब पुलिस पकड़े गए लुटेरों से पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि पकड़े गए लुटेरों से अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। थाटीपुर थाने के सीएसपी तो ऋषिकेश मीणा का कहना है कि बीते दिनों छात्राओं से मोबाइल लूटकर फरार दो लुटेरों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लुटेरों से लूट की चार वारदातों का खुलासा हुआ है और अब लुटेरों से पूछताछ की जा रही है। ये 7 तारीख को मुरार थाना क्षेत्र और थाटीपुर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाएं हुई थी। मुरार के 7 नंबर चौराहे से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के कर्मचारी की लड़की से एक मोबाइल लूटा गया था और दूसरा मोबाइल कुमारपुरा नदीपुर नदीपार टाल के पास से एक वो साइबर की हेल्प से हमने लोकेट किया तो हजीरा में उनकी लोकेशन होना पाई गई। जैसे हजीरा में उन दोनों को हमने जब उठाया तो उनके पास से दो लूट के मोबाइल हमें बरामद हुए थे और पिछले 6 महीने से हजीरा में रह रहा है। लेकिन जिन्हें अपराध करने के तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका कुछ और आपराधिक रिकॉर्ड होगा। मुरैना से हमने इनका आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया है। जैसे ही वो आपराधिक रिकॉर्ड मिलेगा उस हिसाब से हम इसमें और कुछ कार्रवाई करेंगे।